हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम भाई आज के एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे बताया जाता है कि दो लड़कों की आत्मा दिखाई देती है और उन दोनों लड़कों के साथ क्या हुआ था ये सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई इस लोकेशन पे, सबसे पहले लोकेशन एक बार भाई दिखा दे किस तरह की, चारों तरफ मोमबत्ती जला लें तब तक। तो भाई इस लोकेशन पे वैसे भी कोई नहीं आ पाता है, इसीलिए और भी ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को जंगल लग रहा होगा। और दिखने में भले भाई ये सिंपल लोकेशन लगे, लेकिन आज के टाइम पर ये सिंपल लोकेशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे भाई दो लड़कों की अब आत्मा दिखाई देती है। वो दोनों लड़के कोचिंग करके जा रहे थे घर और दोनों की यहीं पर मौत हो गई थी। किस किस तरीके से मौत हुई थी ये तो भाई कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन यहाँ पे उन लोगों की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि भाई यहाँ पे पहले से भी कोई आत्मा थी और उन दोनों लड़कों को मार दिया था और उनकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। और वो राज का राज है, अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है आखिर उन दोनों लड़कों के साथ हुआ तो हुआ क्या था। यहाँ पे कुछ भाई हमने सेटअप बनाया है और यहाँ पे थोड़ा बहुत आग वाग जलाएंगे और जैसा कि गुरु जी ने बताया था कि ऐसा ऐसा करना, शायद कोई ना कोई जानकारी मिले तुमको और उन दोनों की आत्मा को भी शांति मिल सके। तो हम लोग भैया यहाँ पे सेटअप कर चुके हैं, देखते हैं भाई वो चीज़ हम लोग कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। तो वीडियो को छोड़ना नहीं भैया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे आज भी चला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई आना वैसे ही मुश्किल था और ये चैलेंज भी कर लिया है। और एक बार ये चैलेंज करने के बाद अगर हम यहाँ से हटते हैं तो भाई हमारी मौत हो जाएगी, ऐसा गुरुजी ने भी बताया था कि बोला था रिस्क है, लेकिन भाई ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। तो देखते हैं भाई क्या होता है। पहले हम आग को जला लेते हैं। जब हम भाई आए थे अभी इस लोकेशन पे लगभग आधा घंटा पहले, तब आवाज़ आई थी बच्चों की रोने की और इसीलिए हम भाई यहाँ पे सेटअप तैयार किया है। और जो जो गुरु जी ने बताया भाई वो चीज़ हम करने वाले हैं, फिर क्यों ना भाई हमारी जान जाए लेकिन उन दोनों लड़कों की आत्मा को शांति मिल सके, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। और वो जो राज का राज अभी है, आखिर उन लोगों के साथ हुआ तो हुआ क्या था वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा भाई, वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। तो जो भी मंत्र बताया था गुरु जी ने साधना करते हुए कि करना जाके ऐसा ऐसा, वो सब कुछ करने वाले हैं हम। एक बार आग जल जाए अच्छी तरीके से। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो भाई उसमें हमारी जान जाएगी।
भाई आग जल रही है। वही कौन था यार? जैसा कि भाई गुरुजी ने बताया था और लोगों ने भी बोला है कि भाई ऐसा ऐसा करोगे तो हो सकता है भी कोई ना कोई भाई राज भी पता चले। और गुरुजी ने अभी तक बोला है कि भाई ऐसा करोगे तो रिस्क है लेकिन उन लोगों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो यार हमने और भी यहाँ पे भाई पढ़ने का उपयोग करना तो लक्ष्मी आग भी जल चुकी थी भाई, लकड़ी अब जल चुकी है। अब हम भाई जैसा कि गुरुजी ने भाई जो भी मंत्र बताया था अब हम उन मंत्रों का उच्चारण करने वाले हैं और भाई उन दोनों की आत्मा यहाँ पे आएगी लड़कों की और देखते हैं भी क्या होता है भाई। क्लियर आवाज यही है भाई, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है अभी भाई? पूरे मंत्र भी नहीं हुए जैसा कि गुरुजी ने बताया था ऐसा ऐसा करोगे तो इसमें एक बार अंदर बैठने के बाद फिर अगर बाहर निकलते हो तो भाई जान जा सकती है। केवल भाई इस तरफ की आवाज आई है, एक बार जूम करके दिखा लाइट बढ़ा के भी क्योंकि अभी क्लियर आवाज आई है। हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं देखने के लिए क्योंकि वो दोनों की आत्मा दोनों की आत्मा यहाँ तक आई थी, आवाज भी आई बिल्कुल क्लियर। ये देखो फिर से क्लियर आवाज भाई, इधर से आवाज आ रही भाई। जाने में भाई देखिया देखिए आया ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई। नहीं यार तो भाई यहाँ पे रिस्क तो है ही है बहुत ज्यादा। और अब हम भी यार यहाँ से उठते हैं और देखते हैं भाई इधर से आवाज आई थी, इस तरफ से भी आवाज आई थी। इधर ही आ जाते हैं मेरे क्योंकि हमें लग रहा है कि भाई वो दोनों की जो आत्मा है हम लोगों को। अरे ये क्या हुआ अभी यार, ये क्या गलत हो गया यार निर्मल? क्यों हुआ गलत भाई? बात करना जो भी कोई गलती हम हमारे से हुई है, जो भी कुछ हुआ है गलती से हुआ है, कोई ना कोई तो मिस्टेक हुई है भाई। क्या किया जाए यार निर्मल भाई? कुछ गलत तो हुआ है यार भाई।
आज भी गुजर रही है और कोई ज़्यादा देर इसके अंदर भी नहीं रुक पाएंगे, हमको खुद चलना पड़ेगा भाई देखने के लिए। वो दोनों की भाई लड़कों की आत्मा सच में भाई यहाँ तक आई, और लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं कर पाए आखिर क्या हुआ। तो एक बार और फिर से हम करते हैं जो भी गुरुजी ने बताया था। क्लियर आवाज आ रही है भाई, कहाँ से आ रही है? अरे इसी तरफ से आ रही है निर्मल भाई। है हाँ यार, वो दोनों आ गए भाई। एक मिनट इधर दिखा भाई, जल्दी वो भी मंत्र पूरा करते हैं फिर निकलते हैं। चल हाँ देखते हैं चल के भैया। वो दोनों की आत्मा अभी इस तरफ से आवाज कर रही थी दोनों लड़कों की, और रोने की आवाज आ रही थी। वो दोनों की आत्मा बहुत ही ज्यादा परेशान और कष्ट में है हमें लग रहा है। और अभी वाली इधर से आवाज आई थी, उस तरफ से भी आवाज है। मुझे दे साथ में रहना ठीक है। और पेड़ों पे भी देख लेते अभी इसी तरफ से क्लियर आवाज। कौन है वैसे के पास? वो यार जूम कर भाई, जूम कर दिया भाई यार। कैमरा ना भैया आप लोग देख सकते हो, ये देखो यार, ये देखो दोनों लड़के हैं यार। ये अबे ये क्या कर रहे हैं यार, अब क्या किया जाए? जितना भी गुरुजी ने बताया था उतना हम लोगों ने भैया किया, अब इससे ज्यादा हमको पता भी नहीं था। एक बार चलते हैं सेटअप के पास। ओए इधर को गया यार, अभी तो थे यार भाई यहीं पे। आग भी में बुझ चुकी है, कौन है? हो गई है निर्मल, जैसा कि गुरु जी ने बताया था किया, तो उसी तरीके से लगता कोई मिस्टेक कर दिया है। वो दोनों भाई इसके अंदर नहीं जा सकते भाई ऐसे सेटअप होने के बाद, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर गए हैं भाई। कुछ तो गलती हुई भैया, लेकिन हम लोग नहीं जान पाए हैं, तो जान भी जा सकती है। भगवान प्लीज रक्षा करो हमारी, और हम लोग यहाँ से जल्द निकले, क्योंकि अगर थोड़ी भी देर और यहाँ से रुकते हैं तो जान जा सकती है भाई। निर्मल भाई हाँ भाई, आखिर जो भी कोई गलती हुई है क्या, मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज हम लोगों को दोनों को कोई भी नुकसान मत पहुंचाना। आखिर जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आए थे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे यहाँ से, ना तो परेशान करेंगे ना तो कभी भी आएंगे। क्या बताना चाहोगे, आपके साथ उस दिन क्या हुआ था, क्या आप लोग यहाँ पे मौजूद हो? क्या हुआ था आपके साथ उस दिन, कुछ बताना चाहोगे क्या हुआ था? क्योंकि वो चीज़ मेरी राज का राज है, आज तक किसी को नहीं पता। हम लोगों ने सोचा था यार वो चीज़ का पता लगाएंगे, इनके आत्माओं को शांति भी मिल सकती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे द्वारा दी जा सकती। यहाँ पे गुरु जी को लाना पड़ेगा और उनकी आत्मा को शांति दिलवाएंगे या मुक्ति करवा देंगे, जो भी कुछ होगा। और उसके बाद जो भी कुछ इनके साथ हुआ है वो गुरु जी
पता लगा ही लेंगे शायद, क्योंकि पूरा कंफर्म नहीं कि वो भी पता लगा लेंगे, ऐसा हमें नहीं लगता कि अगर ये लोग बताएंगे तो ठीक ही है, वरना भाई ऐसा कोई नहीं पता लगा सकता कि हुआ क्या था इन लोगों के साथ। एक बार हम कंफर्म करते हैं फिर यहाँ से निकलते, क्या हुआ था आप लोगों के साथ? भैया हम लोग किसी भी तरीके से निकलते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग देखना जरूर, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम, आभा भाई निकल भाई भाई चल दिया। Please like and subscribe Horror Room Channel.